हे हेलो फ्रेंड्स, मैं लता वर्ताटे सपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं हार्ड बोर्ड पे एक और क्ले वर्क कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक डिज़ाइन निकाला है राउंड शेप का, फिर उसके बाद मैंने उसमें फैब्रिक और लगाया है। अब मैं क्ले की सहायता से इसमें क्ले से अपना ये डिज़ाइन पूरा करूँगी। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन वाले जो मुझसे ये क्ले आर्ट सीखते हैं उनके लिए है। फिर मैंने छोटी छोटी क्ले से गोलियां बनाई हुई हैं बॉल के शेप की, फिर उसको मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन दिया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटी छोटी गोल गोल जैसी बॉल्स बना रखी हैं। बॉल्स को मैंने क्ले के डिज़ाइन के ऊपर रखा है और फिर उसके बाद मैंने इसको डिज़ाइन दिया है। अब बीच में मैंने एक फ्लावर बनाया है। बच्चों ने बहुत दिन से बोला था कि मैम कि आप एक हमें फ्लावर बनाना सिखा दीजिए, ताकि हम कभी भी कोई क्राफ्ट का वर्क कर सकें तो हमें फ्लावर बनाना आए। तो इसीलिए आज मैंने कार्डबोर्ड पर फ्रेंड्स थोड़ा सा इजी वाला वर्क भी किया हुआ है, ताकि बच्चे इसको सीखें। और इसके बाद मैंने इसमें फ्लावर बनाया है, एक सुंदर सा फ्लावर है, फ्लावर लीफ ऐसा ही वाला वर्क आज मैंने इसमें किया हुआ है, ताकि बच्चे कोई भी क्राफ्ट वर्क कर सकें तो उन्हें उससे करने में बहुत ही सुविधा मिले। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने नाइफ़ की सहायता से इस फ्लावर में थोड़ा सा डिटेलिंग दी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा राउंड शेप में किया है। इसके बाद ये मैंने इसमें पड़ी हुई कुछ पेटल्स हैं, उसको मैंने सोचा कि मैं बाहर से इनको इन्हें डेकोरेट करूँ, और उसके बाद मैंने इन्हें पूरा ऐसा शेप दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने जो फ्लावर बनाया है उसमें उसको लीफ का शेप दिया है। लीफ का शेप देने के बाद मैंने उसको फ्लावर के किनारे किनारे लीफ चिपका दी है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैसे मैं लीफ बना रही हूँ वो भी मैंने बताया है इसमें। और मैंने फिर फैब्रिकॉल की सहायता से किनारे किनारे पूरी लीफ को लगा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कि ये कहते हैं कैसे मैंने लीफ को इसमें शेप दिया हुआ है, और उसके बाद मैंने हर एक लीफ को बनाते हुए भी दिखाया हुआ है इसमें। इसके बाद क्या कहते हैं, लीफ को मैंने फैब्रिकॉल की सहायता से किनारे किनारे पूरा लगा के अब मैंने रस्सी जैसी डोरी बनाई दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस डोरी को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्ले में, क्योंकि ये बीच का जो किनारे का बॉर्डर होता है उसमें बहुत ही सुंदर लगती है। पूरे किनारे से मैंने चारों तरफ से इस डोरी को लगाया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा इसको अच्छा शेप देने के लिए इसको कट करना पड़ रहा था बीच बीच में से। उसके बाद मैंने इसको पूरा पूरा राउंड से पूरा उसको बना के पूरा उसको लगाया हुआ है। ये देखिए, इसको लगाने के बाद ये इस तरह का कुछ इस टाइप से लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने बाहर से भी इसमें छोटी छोटी बॉल्स वाली गोलियां बनाकर उसमें डिज़ाइन लगाया हुआ है। तो मैंने उसको फिर फैब्रिकॉल के एक छोटे से उससे इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। छोटी छोटी बॉल्स मैंने फ्रेंड्स सारे पूरे इसके किनारे से उसको लगा दी है, और लगाने के बाद मैंने उसको फैब्रिकॉल से चिपकाया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था, अभी तो आधा ही बना हुआ था। फिर इसके बाद मैंने उसको पूरा से करके उसको फैब्रिकॉल के उससे मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक डिज़ाइन टाइप का दे दिया, ताकि जब कलर उसके अंदर जाए तो बहुत अच्छा लगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने जो ये थोड़ा सा छूटा हुआ था सनफ्लावर जैसे, इसको मैंने ये पूरा शेप दिया हुआ है, ये भी मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसमें पिंक, आज मैं पिंक कलर से इसको कलर करूँ। उसके बाद मैंने पूरा पिंक कलर से इसको कलर किया हुआ है। कलर करने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इसको पूरा पिंक से इसको वो है बाहर से। फिर मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा उसके बाद बाहर से मैंने उसमें हल्का सा पिंक में वाइट मिलाया हुआ है। वाइट मिलाने के बाद इस ये थोड़ा सा हल्का लाइट कलर का हो चुका था। इसके बाद मैंने सोचा कि उसको पूरा सा जो मैंने बाहर से बचा हुआ है उसको पूरा मैंने कवर कर लिया हुआ है कलर से। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसमें अब जो ये सनफ्लावर जैसा बीच का फ्लावर है इसको अभी कलर नहीं करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इसको पहले पिंक से पूरा अच्छी तरह से पूरा अंदर से किनारे से पूरा फिल कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने बाहर जो मैंने सनफ्लावर टाइप का बनाया था उसमें मैंने पूरा ब्लैक कलर कर दिया। पूरा ब्लैक कलर करने के बाद इनामल कलर मैंने इसमें यूज़ किया ब्लैक कलर, क्योंकि वो थोड़ा साइन अप होता है। तो उसके बाद मैंने इसको ब्लैक करा, क्योंकि क्ले में अगर साइन हमें लानी है तो हमें इनामल कलर ही यूज़ करने चाहिए फ्रेंड्स। उससे बहुत अच्छी एक साइन निकल के आती है, ताकि आपको बाद में इसमें पॉलिश ना करनी पड़े। वो खुद ही एक इतनी अच्छी साइन देता है कि
बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जो बीच के राउंड राउंड थे फ्रेंड्स, उनको भी पूरा मैंने एनामल ब्लैक कलर से उसमें कवर कर लिया है। उसके बाद पूरा ब्लैक कलर करने के बाद फिर मैंने उसमें हल्के से स्पॉन्ज की सहायता से एक प्यारा सा सिल्वर कलर से इस बार इसमें टचेस दिए हुए हैं फ्रेंड्स। हर बार मुझे कुछ अलग अलग करना होता है तो मैं कुछ अलग अलग सोच के पहले से ही रखती हूँ ताकि मैं एक ही चीज़ को दोबारा ना करूँ, फिर वो बोरिंग हो जाती है। इसीलिए मैंने सारा ही इस बार मैंने कुछ अलग हटके बनाया ताकि बच्चों को कभी भी कोई चीज़ करनी हो तो वो ईजी रहे क्राफ्ट के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको एक सुंदर सा प्यारा सा ऐसा लुक देकर इसको बनाया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए ये इस तरह से कुछ बन के तैयार हुआ है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने इसको पूरा, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक हल्का सा अधूरापन सा था तो मैंने इसको हल्का सा जो बीच में पिंक कलर था उसमें हल्का हल्का वाइट के टचेस टाइप के दिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें मिरर्स लगाए थे। मिरर्स लगाने के बाद ये पूरा इस तरह से कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुका था। देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर लग रहा था। अगर आपको मेरा वर्क इसी तरह पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपको मेरे चैनल पर नया नया वर्क देखने को मिलेगा।